गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8, 9, 10th के लिए हिंदी सेकंड ग्रामर का टॉपिक है। आज बेरोजगारी पर अपने चर्चा करेंगे, बेरोजगारी पर लेख एक लिखेंगे। बेरोजगारी एक समस्या और उसका समाधान, और इसके सबसे पहला टॉपिक अपने करेंगे बेरोजगारी का अर्थ एवं भूमिका। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, जैसे सामान्य भाषा में अपने कह सकते हैं भी जिसको रोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं हो उसे बेरोज़गार कहते हैं। यानी बेरोज़गारी का सामान्य अर्थ रोज़गार या न मिलने से है, यानी उनको काम न मिलने से है। बेरोज़गारी का प्रय उस स्थिति से है जो कि क्या है कि जब कोई व्यक्ति, योग्य व्यक्ति या काम करने के इच्छुक व्यक्ति रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता रहे और उसे काम न मिले, उसे बेरोजगार कहेंगे। देश को स्वतंत्रता मिलते ही शरणार्थी समस्या, जनसंख्या वृद्धि के साथ पंचवर्षीय योजना का उचित नियोजित न होने के कारण रोजगार की समस्या लगातार बढ़ती आ रही है। आज जो इसका जो रूप है वो विकराल रूप हो चुका है, और इसके बाद में अपने आगे करेंगे बेरोजगारी की समस्या। इसका दूसरा टॉपिक है कि समस्या। इसके अंदर देखते हैं भी स्वतंत्र भारत के अंदर जो कि जिस तीव्र गति से अपने विकास की दर बढ़ी होना चाहिए था वो नहीं हो पाए, तो इसका अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है, उन शिक्षित नवयुवकों पर पड़ा है जो क्या है कि रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो इनका भविष्य के प्रति उनको निराश होना, सरकार को से असंतुष्ट रहने लगी हैं। तो वस्तुतः ऐसी देश की स्थिति जनसंख्या की तीव्रता से गति बढ़ी है और उनको इनके अनुरूप उनको रोज़गार नहीं मिला है, और सरकारी तंत्र के अंदर क्या है कि लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है वो दिनों दिन क्या है कि बढ़ता गया है, और नई पीढ़ी के अंदर असंतोष बढ़ गया है। इसलिए आजकल क्या है कि आंदोलनकारी प्रवृत्ति जो बेरोजगार है वो क्या है कि आंदोलनकारी प्रवृत्ति अपना रहे हैं, अशांति की ओर, मतलब यानी कि अराजकता की ओर क्या है कि प्रचार प्रसार करने लगे हैं। इन सब बुराइयों की मूल में जो क्या है कि जो है मूल है वो जड़ क्या है कि बेरोजगारी की ही एक समस्या है। तो इसके बाद में अपने 3 नंबर टॉपिक पर बात करेंगे घटने के कारण। तो रोजगार के घटने के कारण के अंदर देखो भी, एक तो देश की निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ रही है, यही कारण है। दूसरा, इसमें जो छोटे बड़े लघु कुटीर उद्योग थे वो क्या है कि ख़त्म हो गए हैं। तीसरा, मशीनीकरण युग आ गया है। चौथा, मतलब यानी कि इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है वो क्या है कि स्वरोजगार की ओर उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब व्यावसायिक शिक्षा लागू करनी चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, आरक्षण का गलत तरीका अपनाया जा रहा है। इसके बाद में जैसे मेन कारण हो गया सार्वजनिक उद्योग धंधों की घाटे की स्थिति से रोजगार के नए अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अन्य कारण है, जो शासन तंत्र है वो स्वार्थी, राजनीति, भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, पंचवर्ष की योजनाओं है वो मानव श्रम शक्ति का सही नियोजन नहीं हो रहा है, ये मुख्य इसके क्या है कि रोजगार के घटने के कारण हैं। इसके बाद में इसका निराकरण, बेरोजगारी का निराकरण कैसे होता है, निराकरण के उपाय। तो निराकरण के उपाय में देखिए बेरोजगारी एक समस्या है, उनके निराकरण के लिए हमने क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम, जनसंख्या वृद्धि जो मुख्य कारण है उसको क्या है कि प्रभावी रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। छोटे लघु कुटीर उद्योगों एवं कृषि प्रधान हस्तकलाओं का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा ऐसी हो कि स्वरोजगार एवं व्यावसायिक क्षमता प्रदान करे। देश में वर्तमान में नौकरियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्थाएं चल रही है उसे समाप्त करने के योग्यता को ही प्राथमिकता की जाए। शिक्षा प्रणाली के क्रांतिकारी परिवर्तन कर नागरिकों को स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। शासन तंत्र में क्या है कि व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता तथा
भ्रष्ट राजनीति पर अंकुश लगाया जावे, योजना बंद त्रिकोण से रोजगार के साधनों की वृद्धि की जावे, ये मतलब इनका मुख्य है, मतलब इनके निराकरण के उपाय हो सकते हैं। और इसके बाद में अपने आ रहा है उपसंहार। तो उपसंहार में देखो क्या होना चाहिए, उपसंहार में इस प्रकार के उपाय करने से बेरोजगारी को रोका जा सकेगा और रोजगार सुलभ होने से परेशानी नहीं रहेगी। बेरोजगारी की समस्या का समाधान सरकार और गैर सरकारी स्तर पर हो जाएगा, मतलब होना चाहिए, उनका प्रयास करना चाहिए। अतः उचित उपाय करने पर रोजगार के साधनों की वृद्धि ही निश्चित हो जाएगी। तो ये अपने को लेख करना है अपनी पक्की कॉपी में।